हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। कोविड 19, पेंडेमिक, कोरोना वायरस, वैक्सीनेशन, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, लंग्स इन्फेक्शन, क्वारंटीन, लॉकडाउन, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ यही वर्ड्स आज की डेट में हमें सुनाई दे रहे हैं। फिर वो चाहे टेलीविज़न हो, कोई यूट्यूब पर वीडियो हो, न्यूज़पेपर हो, या लोगों से ही बात करना क्यों ना हो, हर जगह सिर्फ यही चीज़ चल रही है। पिछले साल कोविड था ज़रूर, बट इतना ख़तरनाक नहीं था जितना कि इस साल है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ एक ही खबर आती है, कोरोना वायरस ने ये परिवार बर्बाद कर दिया, कोरोना वायरस ने वहाँ पर अटैक किया। गांव-गांव में अब ये वायरस फैल चुका है। आज की डेट में अगर हम अपना ध्यान अपने आप नहीं रखेंगे तो हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे। यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी पुअर हो चुकी हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। कितने ही लोग सिर्फ इस वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं कि वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके एक बार चेक कर लीजिए, वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तीसरे, चौथे, और कई लोग सिर्फ हॉस्पिटल ढूंढने में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ध्यान खुद रखना है, अपनों का ध्यान खुद रखना है, अपने परिवार का ध्यान खुद रखना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। और उसके लिए मैं आज आपके साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ना सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत कफ़, कोल्ड या सोर थ्रोट हो रहा है तो उसको भी सेटल डाउन करती है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लेट में सारी चीज़ें ले ली हैं जो भी हमें काढ़ा बनाने के लिए चाहिए हैं। सबसे पहले ये गिलोय की स्टेम है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, किसी भी तरह के फीवर से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, प्लस जो भी स्ट्रेस और एन्जाइटी है उसको रिड्यूस करती है। दूसरा है हल्दी। हल्दी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्प करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं हल्दी में। तीसरा है लौंग, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी तरह की स्वेलिंग या पेन से रिलीफ देते हैं, सोर थ्रोट में काफ़ी हेल्पफुल होता है और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। अब है काली मिर्च या फिर ब्लैक पेपर, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कफिंग में काफ़ी हेल्प करता है और भी जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं उनमें काफ़ी हेल्प करता है। अब है ये दालचीनी, ये लंग इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्लस बॉडी में कोई स्वेलिंग है उसको भी रिड्यूस करता है। नाउ द वंडर हर्ब ऑफ आयुर्वेदा, तुलसी या फिर बेसिल लीव्स, क्योंकि इसमें जर्मसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये जर्म्स को ईजिली लोकेट करके डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी हेल्प करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, प्लस फीवर, कोल्ड, कफ या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में काफ़ी हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज़ अश्वगंधा या अश्वगंधा की पत्तियाँ हैं, ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है, अगर किसी को कोविड हो चुका है तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो इस तरह के पाउडर फॉर्म में भी ये काढ़ा मिलता है, आप ये भी ले सकते हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इनको इस तरह से ही यूज़ करें। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी गर्म कर लिया है, पानी खौल रहा है, ये 4 ग्लास के अराउंड पानी है और ये अच्छे से खोल रहा है। अब इसमें मैंने डाली है गिलोय की 4 डंडियाँ, ये छोटी छोटी डंडियाँ हैं, उसके बाद अश्वगंधा के 4 पत्ते, उसके बाद ये दालचीनी, फिर है ये 4 लौंग, उसके बाद ये 4-5 काली मिर्च, तुलसी की पत्तियाँ और अराउंड 1 चम्मच हल्दी,
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसको तब तक खौलाएंगे जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता है। मान लीजिए अगर आपने 4 ग्लास पानी डाला है तो इसका पानी सिर्फ 2 ग्लास ही रह जाना चाहिए। हमें तब तक इसको खौलाना है ताकि इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी निकल के इस पानी में आ जाएं, इस काढ़े में आ जाएं। और ये काढ़ा अब ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। और इसको जब भी आपको लेना है आप तब ही लें जब ये हल्का गर्म हो। ठंडा काढ़ा कभी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उसके, इनफेक्ट बेनिफिट्स ही हैं। अगर 4-5 चम्मच भी बच्चे ले लें तो वो भी उनके लिए बहुत है। सो आई होप आपके लिए ये रेसिपी हेल्पफुल होगी। घर में आपके जितने भी लोग हैं उनको दें, इंक्लूडिंग बच्चे, बच्चों को भी आप ये काढ़ा पिला सकते हैं, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैं खुद अपने बेटे को ये देती हूँ। इस वायरस से लड़ना सिर्फ अब हमारी अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है। और अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, कोई सामान लेना है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ ही घर से बाहर निकलें, लगातार अपने हाथ धोएं। बच्चों को भी इस चीज़ के लिए आप अवेयर कराएं कि बार बार हाथ को मुंह में नहीं लेना है और उसको अपने फेस के आसपास नहीं लगाना है। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इस वायरस से हम ज़रूर पार पा पाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।